हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था अभी कुछ दिनों से, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था और आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज भी लेट हो गया है दोस्तों, अभी लगभग 3 बज गए हैं और सवेरे से मैं काम कर रहा था तो टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, मगर अभी सब नहा खा के फ्रेश होके व्लॉग स्टार्ट किया हूँ। और दोस्तों, अभी 2 तारीख को ना हमारे शिखा का भी बर्थडे था, तो उस दिन भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो वो भी आपको नहीं दिखा पाया, तो एक छोटा सा क्लिप उसका भी डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा आज के इस व्लॉग में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज इस व्लॉग में, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिए। तो चलाइए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक कीड़ा जो हमारे तरफ बारिश में बहुत ज़्यादा दिखता है। ये देख लो, ये वाला कीड़ा हमारी तरफ बारिश में बहुत ज़्यादा रहता है और अजीब से स्मेल भी करता है, और ये खाली बारिश के दिनों में दिखता है। आपकी तरफ दिखता है कि नहीं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इसको आपके तरफ क्या बोलते हैं? इसको तो हमारे तरफ गहरीन कीड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप ज़रूर बताना इसको क्या कहते हैं। और इतने सारे रहते हैं दोस्तों, एक के ऊपर एक, मतलब हजारों में रहते हैं, पता नहीं कितने रहते हैं। और अलग अलग जगह में, छोटे थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत जगह दिखेंगे आपको हमारी तरफ बारिश के दिनों में। और दोस्तों, अभी मैं आया हूँ बाड़ी की तरफ, क्योंकि आपको पता है बाड़ी में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें बार बार आके देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो बंदर है नहीं, मगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये मिर्ची। ये देखो, ये मिर्ची ये फला है और ये पिछले साल का है दोस्तों, इसको हमने अभी लगाया नहीं है। पिछले साल का एक दो पेड़ बचा है ना, वही है। और ये हमारे घर के, मतलब खाने के लिए हो जाएगा घर में यूज़ के लिए। इसको मार्केट वार्केट तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये अभी बचा है। इधर कुछ और है और ये है, इतने बड़े एरिया में है तो हमारे घर में खाने के लिए हो जाएगा ये मिर्ची। और आप लगाते हो कि नहीं मिर्ची, हमें ज़रूर बताना बारिश के दिनों में। और क्या है, गाँव में तो लगभग सबके यहाँ कुछ ना कुछ ये सब सब्जी भाजी तो लगाते ही है घर खाने के लिए, मार्केट में जिससे आपको ख़रीदना नहीं पड़ता, तो गांव में तो सब लगाते हैं। और दोस्तों, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, मगर दोस्तों हमारे तो बारिश बहुत कम हुआ है। हमारे जब जो धान की रोपाई हुआ है ना, उसमें बहुत कम पानी है, मतलब जितनी ज़रूरत रहती है ना उतना भी पानी गिरा नहीं है, क्योंकि धान की खेती में ना बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो धान की खेती के हिसाब से अभी तक तो पानी गिरा नहीं है, मगर अभी थोड़ा सा चालू हुआ है रिमझिम रिमझिम, अब देखते हैं गिरता है कि क्या है। वैसे तो खेतों में ना पानी नहीं है, जो जो लोग धान की खेती करते हैं ना वहाँ, और हम तो करते नहीं हैं धान की खेती। अभी हम लोग लगाए हैं केला फ़िलहाल, क्योंकि ये नदी के किनारे की जगह रेतीली ज़मीन है ना, तो इसमें धान नहीं हो पाता, तो हम लोग यहाँ सब्जी भाजी फल फूल यही सब की खेती करते हैं, धान की खेती नहीं करते। और ये देख लो, ये हमारे जिमीकंद का है पौधा, आपको और भी दिखा चुका हूँ, मगर ये अब देख लो, अब बढ़ते जा रहा है ये, आपको तो इसको 2-3 बार और दिखा चुका हूँ, मगर अब ये हाइट इसका बढ़ते जा रहा है और अंदर में इसका जो कंद है ना वो और बड़ा होता जाएगा। ये लगभग 2 साल हो गया अब इसका, इस साल ना इसको ना खोद के इसके कंद को निकालेंगे, तब आपको एक बार उसको भी दिखाएंगे कितना बड़ा निकलेगा इसका कंद, जिमी का कंद। और इधर देख लो, ये नींबू दिख रहा है कि नहीं पास से, बहुत सारे पेड़ है दोस्तों, और वही बंदर की वजह से ही इधर आके घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है। और ये देख लो दोस्तों, अमरूद कितने पास में फलता है, बहुत पास में फलता है। और दोस्तों, ये बारिश के दिनों में ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, मगर बारिश के दिनों में नहीं होता ज़्यादा बड़ा, यही जब ठंड में होगा ना तो बहुत बड़ा हो जाता है इसका फल, और बारिश में नहीं बढ़ता ज़्यादा। और ये देखो दोस्तों, ये है भिंडी, ये भिंडी का फूल है और ये भिंडी फला हुआ है, अभी छोटा है। और आज मार्केट भी है दोस्तों, तो माँ लेके गई है यही भिंडी, इसी का तोड़ के वो मार्केट गई है लेके बेचने के लिए। और इसका एंडिंग हो गया दोस्तों बहुत, मतलब अब ये कम फलेगा, अब इसका लास्ट आ गया है। और आज सीखा गई है अभी ट्यूशन, तो उसके बिना अपना दिल लगता नहीं है, अब जब आ जाएगी ना सीखा तो आपसे ज़रूर मिलाएंगे सीखा से, मतलब सीखा के बिना दिल नहीं लगता। और आप तो जानते हैं, अगर घर में बच्चे हो और तो बच्चे अगर घर में ना हो तो बहुत बेकार लगता है, घर सुना सुना सा लगता है,
और बच्चों के बिना तो घर अधूरा ही है। तो अभी आएगी ना तो आपको ज़रूर मिलाएंगे शिखा से। और ये दोस्तों इसको बताता हूँ, ये कौन सा है, ये है गलकी का पौधा है। और फिलहाल आज तो माँ तोड़ के ले गई है, और ये छोटा सा फल है, ये देखो गलकी। और इनको देखो, ये देख रही है घास के लिए। तो चलो दोस्तों पहले इसको घास देते हैं इनको, इनको भी भूख लगा होगा, फिर मिलते हैं आपसे, इनको पहले घास दे देते हैं। और दोस्तों हमने इनको दे दिया घास, आप देख सकते हैं खा रही है, अब खा रहे हैं इन लोग। तू भाग क्या, ये ट्यूशन नहीं गई है ना? सही बता, अभी जाऊंगा मैं पूछने। हाँ तू भाग क्या, ये ट्यूशन छोड़ के अभी जाऊंगा ना मैं मार्केट, लाने जाऊंगा तब पूछूंगा ना मैडम को। तो किस में आई अभी, किस में आई है पूरा मत आया करना जी, मैं गया रहता। तो मेरा नंबर लिख के रख लेना, नहीं दूसरे के मोबाइल से करना मंग के। ये देखो क्या है दिखा, और तू ट्यूशन गई कि नहीं गई थी ये बता। तो इसको वो बंद थे। हाँ क्या कर रही हूँ, आज मैं काम कर रही हूँ करके अभी। हाँ चल ठीक है ना, मैं अभी जाऊँगा तो पूछ लूँगा। आप पूछ ले और इन लोग को भी बता दे किसको। ये जाती है स्कूल, ये जाती है स्कूल 10 से 4, उसके बाद फिर 4 से 5:30 तक इसका रहता है ट्यूशन। और आज जिसका छुट्टी है ना ट्यूशन का, देख खुश है आज। अरे मस्ती मत कर रोकर साथ। अरे बच्चा दे, देखो भी याद अब खुआ खा ले। चल बोलना, हेलो दोस्तों मैं पगली हूँ, हैं बोलना, हेलो दोस्तों मैं पगली हूँ, बोल बोल बोल। तो दोस्तों हमारी शिखा आ गई है स्कूल से, और बस स्कूल से आने के बाद इसका यही काम, बस इसी के साथ दिन भर खेलती रहती है, पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है। और होमवर्क कब करेगी? तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक मत करना। हाँ लाइक मत करना, ये क्योंकि ये पागल है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये नरेश पागल है। पागल नहीं हूँ, ये पागल है। अरे पागल से तुम मत मानना। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और कोई गलती या शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। क्यों जी? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।